हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट करो, सही प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही प्राइम लोकेशन पे, जो कि रहने वाली है सेक्टर 125 सन इनक्लेव की, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ बात करूँ कोठी की, तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही प्यारी 5 बेडरूम की कोठी लेके आ रहा हूँ दिखाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 बेडरूम्स ये रहने वाली है कोठी, 200 गज में ये कोठी प्रिपेयर हुई पड़ी है, ठीक है। अगर मैं इसके अगेन इसके रोड्स की बात करूँ, जो इस कोठी के सामने रोड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 फीट वाइड रोड्स हैं इसके सामने, कोठी के सामने रहने वाले हैं, ठीक है। एंड 5 BHK की आपकी रहने वाली है कोठी। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। चलिए, जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर में ही आपको कितना प्यारा एलिवेशन टाइप मिल जाता है। सबसे पहले जैसे कि आप गेट देख सकते हैं, गेट आपको मिलने वाला है प्रॉपर स्लाइडिंग गेट आपको मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गेट मिलने वाला है आपको कोठी की एंट्रेंस में ही, ठीक है। एंड यहाँ पे आइए मेरे साथ, अंदर आइए एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए आपको कोठी के अंदर एंटर करते ही कितनी एनम स्पेस मिलने वाली है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपको 2 गाड़ियाँ आराम से आप पार्क कर सकते हैं इजीली। आप यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रहने वाला है, यहाँ पे आप स्कूटीज वगैरह, अपने मोटरसाइकिल वगैरह पार्क कर सकते हैं इस तरफ अपना, या अगर आप इसको लॉन बनाना चाहें तो लॉन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ टूर करवाने, अंदर का होम टूर करवाने। सबसे पहले आपका रहने वाला है यहाँ पे मेन एंट्रेंस का, यहाँ पे डोर रहने वाला है बहुत ही प्यारी वुडन की फिनिशिंग में रहने वाला है आपका, ये मैच डोर रहने वाला है। साथ ही साथ इसके साथ आपको मिल रहा है दूसरे वाला डोर मिल रहा है, जो वुडन का डोर है प्रॉपर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोर है। एंड पॉलिशिंग में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इसकी पॉलिशिंग की गई है, ठीक है। आइए आइए मेरे साथ। अब सबसे पहले एंटर करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। जैसे कि देखिए कितना बड़ा डाइनिंग एरिया है, बहुत स्पेशियस डाइनिंग एरिया मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऊपर फॉल सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली है इस कोठी के अंदर। अगर मैं LED पैनल की बात करूँ, तो LED पैनल बहुत ही प्यारा आपको जैसे देख सकते हो, ठीक है, कितनी प्यारी फिनिशिंग में आपको LED पैनल मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको पार्टीशनिंग के लिए यहाँ पे आपको ये प्रॉपर वुडन की डेकोरेटिव सी आपको मिलने वाली है, यहाँ पे प्लाईवुड मिलने वाला है। यहाँ पे अपना डेकोरेशन के लिए अपना मटेरियल्स वगैरह भी रख सकते हैं। प्रॉपर एक पार्टीशन की गई हुई है डाइनिंग और ड्राइंग एरिया के स्पेस में, ये आपका रहने वाला है प्रॉपर ड्राइंग एरिया रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आपकी फैमिली गेट टुगेदर वगैरह सब कर सकते हैं इवनिंग में। एंड अगेन मैं बताऊँ, यहाँ पे भी आपकी एक पार्टीशन की गई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं वुडन की फिनिशिंग में मेन एंट्रेंस पे यहाँ पे पार्टीशन की गई है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपको किचन की ओर। किचन आपका रहने वाला है अगेन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पार्टीशनिंग की, तो आप अपना इजीली काम कर सकते हैं किचन में, ठीक है। एंड सामने आप अपने डाइनिंग रह सकता है आपका, यहाँ पे किचन रहेगा आपका। किचन में आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, विंडो आपको प्रॉपर दी गई है, सामने का व्यू आप विंडो से देख सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ऊपर कौन जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कपबोर्ड्स वगैरह हैं, प्रॉपर फिनिशिंग में कपबोर्ड्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिनिशिंग में। यहाँ पे नीचे आपको अगेन मिल जाएंगे सॉफ्ट क्लोजर सर, कपबोर्ड्स मिल जाएंगे। एंड थोड़ा सा काम अभी इसमें पेंडिंग है, ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ हो रहा है काम, ठीक है। एंड मैं बात करूँ सबसे मेन बात जो रहने वाली है आपको किचन में, किचन में ही आपको अटैच पूजा रूम मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा पूजा घर एक बनाया गया है, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है। एक बार दिखा दीजिए, मैं अंदर तो जा नहीं सकता शूज़ पहने हुए, बट एक पूजा रूम, एक बहुत ही आपको पॉजिटिव आपको इन्वायरमेंट करने के लिए पूजा घर भी आपको मेंटेन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज बेडरूम है, ठीक है। जैसे कि आप एलिवेशन देख सकते हैं, वॉलपेपर्स देखिए आपको एलिटीज मिलने वाले हैं, ठीक है। ह्यूज आपका रहेगा यहाँ पे बेडरूम रहने वाला है फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे आपको LED पैनल मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विंडो भी मिलने वाली है आपको, ये आई थिंक मास्टर बेडरूम रहने वाला है आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ठीक है। ये आपको विंडो मिलने वाली है यहाँ से। एंड अगर मैं ड्रेसिंग एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर मिरर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वार्डरोब्स दी गई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस वार्डरोब्स लग रही हैं। प्रॉपर बॉक्सेस बनाए गए हैं, आपके ज्वेलरी के लिए भी ड्रॉर्स बनाए गए हैं, ठीक है। रूफटॉप तक आपकी ये बहुत बड़ी वार्डरोब रहने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो अटैच वॉशरूम रहने वाला है, वो भी आप देख सकते हैं, ये आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है, ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी बड़ा बहुत ह्यूज वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको विंडो अगेन मिलने वाली है। अभी फिटिंग इसमें जो होगी वो सेरा या जैगुआर की फिटिंग होने वाली है, सैनिटरी फिटिंग होने वाली है। तो ये है हमारे फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो ये बाहर कनेक्ट करता है हमारे वॉशिंग एरिया को, अगेन कनेक्ट करता है ये हमारा वॉशिंग एरिया रहता है फर्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर से। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशिंग एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन आप लगा के अपना फिटिंग्स प्रॉपर आपको
दी हुई हैं, आपको प्लग्स वो प्रॉपर दिए गए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहने वाला है आपका मास्टर बेडरूम। अब मैं बात करता हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ, लेके चलता हूँ आपको सेकंड बेडरूम। अब सेकंड बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी सेम ऐसी एलिवेशन में बनाया गया है। डाइनिंग एरिया से ही इसकी एंट्री है। अगेन यहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा ह्यूज वॉश बेडरूम रहने वाला है। सॉरी, तो ये जो वॉलपेपर है, वॉलपेपर आपको एज इट इज मिलने वाला है। कितना प्यारा लग रहा है, लुक कितनी अच्छी लग रही है। हॉल सीलिंग की बात करूँ तो वो आपको एज इट इज मिलने वाली है। ठीक है, एंड वार्डरोब, अगर वार्डरोब देखिए तो वार्डरोब में आइए मेरे साथ, कितना ज़्यादा स्पेस है। अगेन स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको वार्डरोब मिलने वाली है। रूफ टॉप के साथ आपको मिलने वाले हैं वार्डरोब अपना सामान वगैरह रखने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है साथ ही साथ वार्डरोब के साथ। ठीक है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आप ये स्पेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे LED पैनल आप देख सकते हैं, आपको मिलने वाला है LED पैनल मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा लग रहा है LED पैनल, वुडन की फिनिशिंग में। अगेन अगर मैं इसके वॉशरूम की बात करूँ तो टाइल्स का एक कॉम्बिनेशन देखिए, एक टाइगर एक जेब्रा की फिनिशिंग में एक आपको ये टाइल्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है वाइट और ब्लैक में। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है ये रहने वाला है। अगेन जो इसमें सैनिटरी फिटिंग्स हैं वो मैंने बताया कि सैरा या जैगुआर की इसमें फिटिंग रहने वाली है। अगर इसके अंदर भी आपको अटैच विंडो मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये है जो कोठी रहने वाली है, उसका जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो एलिवेशन है उसमें आपको 2 बेडरूम्स मिलने वाले हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके रहने वाले हैं 3 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी रहने वाली है पैड़ियों की जो चढ़ने के लिए ऊपर को। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर सेफ्टी ग्रिल्स लग जाएंगी। ठीक है, पूरी ऊपर तक आपकी सेफ्टी ग्रिल्स लगेंगी। एंड ये भी कितना प्यारा यहाँ पे मीटर के लिए प्रॉपर फिनिशिंग के लिए देखो कितना प्यारा यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, तो अगेन बोर्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे आप आओगे ऊपर जैसे ही तो अगेन आपको यहाँ पे जो सेफ्टी ग्रिल है वो अगेन आपको यहाँ पे रहने वाली है सेफ्टी ग्रिल। एंड पार्टीशनिंग के लिए अगेन यहाँ पे वुडन का आपको दिया गया है, यहाँ पे वर्क किया गया है पार्टीशनिंग के लिए। ठीक है, सेफ्टी ग्रिल्स जैसे कि देख सकते हैं अभी लगने वाली हैं, तो इसमें भी आपकी सेफ्टी ग्रिल्स लगेंगी, ग्लास की सेफ्टी ग्रिल्स लगने वाली हैं। एंड यहाँ पे देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन दिया गया है एंट्रेंस पे, फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे। ठीक है, वुडन के साथ दिया गया है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। अगेन आपका जो मैं लेके चलता हूँ आपको मेन एंट्रेंस पे फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, आइए मेरे साथ चलिए आगे। ये आपकी जो मैश डोर रहने वाला है आपका वुडन का, ठीक है, एंड यहाँ की जो चुगाट है वो भी बहुत मजबूत एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वुडन डोर है, वुडन डोर भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोर लग रहा है। एंड पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग की बात है बहुत ही प्यारा इस पर पॉलिश किया गया है। अब ये रहने वाला है आपका फर्स्ट फ्लोर, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है इसमें, एक बार पूरे पीछे देख लीजिए घूम के, बहुत ज़्यादा स्पेशियस आपका रहने वाला है फर्स्ट फ्लोर। ऊपर आपको यहाँ पे भी स्पेस डाइनिंग एरिया की मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ये ओपन किचन रहने वाला है। एंड सामने आपको विंडो मिलने वाली है, अगेन जैसे नीचे एलिवेशन थी वैसे ही ऊपर एलिवेशन है। ठीक है, ये आपका ओपन किचन रहेगा, मॉडल किचन रहेगा। अगर मैं बात करूँ पूजा रूम की तो आप इसको ये भी आपका एक पूजा रूम आप इसको बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो इसको एज ए पूजा रूम में, या तो आप इसको स्टोर रूम बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका सामने ही सामने रहने वाला है यहाँ पे ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया तो आपको किचन के सामने हो गया, यहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, LED पैनल के साथ आपको, आइए मेरे साथ LED पैनल देखिए, यहाँ पे वॉलपेपर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, LED पैनल देखिए। ठीक है, वुडन में LED पैनल है, यहाँ पे आप अपने डेकोरेट लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग तो देखिए आपको एज इट इज़ मिलने वाली है लाइट्स के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका रहने वाला है फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है। ठीक है, यह आपको ड्राइंग एरिया के साथ ही मिल जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है इसमें आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, आपको एज इट इज़ ही मिलने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो ऊपर फॉल सीलिंग एज इट इज़ मिलने वाली है, वॉल पेपर मिलने वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं एरिया उसकी एयर वेंटिलेशन की बात करूँ तो प्रॉपर यहाँ पे आपको वुडन की फिनिशिंग में आपको ग्लास डोर मिल रहा है प्रॉपर। ठीक है, एंड वार्डरोब की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल रही है, अलग से वार्डरोब है ये आपकी रहेगी यहाँ इस कमरे के लिए। फर्स्ट बेडरूम है हमारा फर्स्ट फ्लोर का। LED पैनल की बात कर दी है मैंने, इसके वॉशरूम की बात करता हूँ तो वॉशरूम आपका इसका बिल्कुल दरवाजे के साथ रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग बहुत प्यारी है इस वॉशरूम की। ठीक है, नीचे टाइल्स का वर्क देखिए आप, प्रॉपर टाइल्स का वर्क किया गया है इसके अंदर। ठीक है, एंड अभी इसके अंदर जो सैनिटरी फिटिंग्स होंगी जो वो भी इसके अंदर सैरा या जैगुआर की होने वाली है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम का फर्स्ट वॉशरूम रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अगर मैं बात करूँ सेकंड बेडरूम की तो सेकंड बेडरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर की फिनिशिंग कितनी प्यारी है, वॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, LED पैनल आपको ऐसे अगेन वुडन
फिनिशिंग में मिलने वाला है। इस जो वाली कोठी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 200 गज की जो कोठी है, इसमें आपको वुडन का वर्क बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही यूनिक मिलने वाला है। ठीक है, अगेन वही एलिवेशन के साथ आपको यहाँ पे विंडो मिल रही है रूम के अंदर। ड्रेसिंग एरिया की अगर बात करें तो ड्रेसिंग एरिया अगेन आपको स्लाइडिंग डोर के साथ वार्डरोब मिल रही है, एंड यहाँ पे आपको मिरर मिल रहा है ड्रेसिंग एरिया में, अलग से मिरर मिल रहा है। यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह मिल रहे हैं, काफ़ी स्पेस में आपको ड्रॉर्स वगैरह मिल रहे हैं। और वॉशरूम की अगर बात करूँ तो वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा स्पेस में इसका रहने वाला है। टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही यूनिक। तो गाइस ये था आपका 200 गज की कोठी का जो मैंने आपको टूर दिया है, बहुत ही प्यारी कोठी है। एंड इसके एड्रेस की बात करूँ तो एड्रेस इसका रहेगा सेक्टर 125 सनिंग क्लेव में रहेगा। ठीक है, एंड नियर केंद्र विहार टावर के पास रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके इसके बारे में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। आपके लिए सही प्रॉपर्टी पर सही जगह पर इन्वेस्ट करो। थैंक यू।